हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जो कि 82 किलोमीटर लंबी परियोजना है, उसमें से 17 किलोमीटर का जो इसका हिस्सा है वो इसी साल आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट किया जाना है और जनता के लिए ओपन किया जाना है। बाद बाकी जो रिमेनिंग हिस्से हैं वो 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और आज इसी के पैकेज वन यानी कि ये जो 17 किलोमीटर का हिस्सा है उसके स्टेशन का काम आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ट्रैक डालने का काम पूरे 17 किलोमीटर हिस्से पे कर लिया जा चुका है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी कर लिया जा चुका है। और ये जो परियोजना है ये कनेक्ट करेगी दिल्ली और उत्तर प्रदेश को। स्टार्ट हो रहा है ये दिल्ली के सराय काले खां से जाएगा मेरठ उत्तर प्रदेश तक, यानी कि दिल्ली से मेरठ तक की जो दूरी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। दिल्ली से मेरठ आपको एक पूरा दिन लग जाता था ट्रैवल करने में, लेकिन इस एक नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से दिल्ली से मेरठ तक ट्रैवल कर सकते हैं 50 मिनट्स में। ये जो देख रहे हैं ये इसका सबसे पहला स्टेशन होने वाला है, जो कि है साहिबाबाद का, उत्तर प्रदेश में आता है ये। और यहाँ पर स्टेशन का काम देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको दिखेगा कि ये जो स्टेयर्स है उनके ऊपर काम किया जा रहा है। स्टेयर्स आपको दोनों तरफ मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर लिफ्ट भी आपको दोनों तरफ मिलेगा, जिससे कि आसानी से आप स्टेशन पे कनेक्ट कर सके। स्टेशन के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। स्टेशन के अंदर भी कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये जो साहिबाबाद स्टेशन है ये वही जगह है जहाँ पर हमें और आपको ट्रेन को देखने का मौका मिला था जी। तो अगर आपने इसका अभी तक ट्रेन का जो अपडेट मैंने दिया था इनसाइड वो अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। इस स्टेशन के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने का काम अभी नहीं किया गया है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे उनकी मदद से ही स्टेशन की जितने भी लाइटें हैं ना या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं वो सभी चला करेंगी। और इसी वजह से इस जगह पर आपको पूरा सोलर पैनल देखने को मिलने वाला है। अभी उसके इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट किया जाना है। सीढ़ियाँ दोनों तरफ बन चुकी है और ऑलमोस्ट ये स्टेशन अब बनकर तैयार हो चुका है। इससे जब आगे चलेंगे तो फिर आता है गाजियाबाद का स्टेशन, तो चलिए मैं आपको गाजियाबाद लेकर चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि गाजियाबाद स्टेशन पे कितना कुछ काम हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन। ये स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये स्टेशन होने वाला है हब फ्यूचर में, क्योंकि आरआरटीएस की जो और लाइनें प्रपोज्ड है उत्तर प्रदेश में जो कि हापुड़ को जाएगी और आगे खुर्जा को जाएगी, तो ये दोनों लाइनें भी यहीं से स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसी वजह से गाजियाबाद का स्टेशन इतना बड़ा और विशाल कंस्ट्रक्ट किया गया है, और कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। अब तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो आउटर पार्ट है उस पर काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर सोलर इंस्टॉल करने का भी काम किया जाएगा। यहाँ पर सामने आपको दिखेगा गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन, तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक पूरा फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जिसकी मदद से आसानी से इन दोनों स्टेशनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रोड के जरिए आते हैं, सड़क मार्ग के जरिए आते हैं, तो आप यहाँ पर दोनों तरफ जो सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी उसके मदद से कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में जो लिफ्ट की फैसिलिटी दी जाएगी उनसे भी आप इस स्टेशन पर कनेक्ट कर सकते हैं। और स्टेशन पर ट्रैक डालने का भी काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो रूफ का भी काम हो चुका है, सोलर इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर किया जाना है। ये है गुलधर का स्टेशन, और गुलधर का स्टेशन अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो गुलधर का ये स्टेशन जो है ये पहला स्टेशन है जिसका काम सबसे पहले हुआ है, जितने भी अभी तक मैंने आपको दिखाए या आगे भी जो दिखाऊंगा, क्योंकि इस पर काम सच में तेजी के साथ हुआ है। गुलधर में अभी अगर आप पूछेंगे क्या किया जा रहा, तो यहाँ पर अभी स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों को बनाने का काम किया जा रहा है। एक साइड तो बन चुका है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ वाले हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है सीढ़ियों के वो किया जा रहा है। और स्टेशन आपको दिखेगा जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर अब आखिरी काम ही किया जाना है और वो है सोलर पैनल इंस्टॉल करने का जी। और इसके बाद जब चलेंगे तो फिर आता है दुहाई।
ये है दोस्तों दुहाई का स्टेशन, और दुहाई का ये जो स्टेशन होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको लाइन भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रैक्स। और ट्रैक्स इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज है, एक लाइन जो कि जाएगी डिपो को, क्योंकि दुहाई में इसका एक डिपो भी होने वाला है। तो लेफ्ट वाला ये जो देख रहे हैं ये डिपो को जा रहा है और स्ट्रेट ये जा रहा है आगे मेरठ की तरफ। डिपो वाले हिस्से पे लास्ट टाइम ट्रैक डालने का काम किया जाना था, आज अगर आप देखेंगे तो ट्रैक डालने का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इनफैक्ट जो मेन लाइन है उसमें भी ट्रैक डालने का काम कंप्लीट हो चुका है। दुहाई वाले स्टेशन पे भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं, टीम आपको दिख जाएगी, और साथ ही साथ स्टेशन का ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी काम किया जाना है। और अच्छी बात यह है कि जब आप आते हैं इस जगह पर ना, तो अब आपको इसका जो ट्रेन है वो दिख जाता है टेस्ट रन करते हुए। जी हाँ, और इस वक्त भी ऐसा ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये ट्रेन अभी जस्ट आई है और अब यहाँ पर टेस्ट रन करने के बाद ये आगे को चली जाएगी। यहाँ पर स्लो इसलिए है क्योंकि यहीं से ये वापस की तरफ जाती है, और इसी वजह से यहाँ पर अभी आपको ये स्लो दिख रहा होगा। दुहाई से जब हम और आप आगे मेरठ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ट्रैक डालने का काम पूरी तरीके से हो चुका है। सामने आपको एक एक्सप्रेसवे दिखेगा जो कि है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी ये क्रॉस कर रहा है। और इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद का जो हिस्सा है ये 2025 में स्टार्ट होने वाला है क्योंकि ये पैकेज 2 के अंदर आता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इस वाले हिस्से पे भी ट्रैक डालने का काम हो चुका है, और अच्छी बात बता दूं आपको कि इस हिस्से पे भी टेस्ट रन का काम किया जा रहा है। जी, जबकि इसे स्टार्ट होना है 2025 में, काम बहुत तेज़ी के साथ कर रही है टीम यहाँ। जी हाँ, तभी तो यहाँ तक टेस्ट रन कर दिया। ये था अपडेट दिल्ली मेरठ RRTS के कंस्ट्रक्शन का कि कितना कुछ काम हुआ है इस प्रोजेक्ट पे, इसका जो ट्रेन है कैसा कुछ दिखने वाला है। इसका अगर आपको अपडेट देखना है तो जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पे। और आज के लिए तो बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।